ए और बी इमेज, तो ए की दो इमेज है इसलिए ऊपर वाला फंक्शन नहीं है, और ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, कारण क्योंकि फाइव एस नो इमेज। बताइए गजल खुशबू हिमांशी। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। खुशबू खुशबू समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि उसमें देखो डेफिनेशन क्या है, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई, हर एक एक्स के लिए वाई यूनिक होना चाहिए, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई, ठीक है बेटा, हर एक एक्स के लिए वाई यूनिक होना चाहिए। Is that clear to you? अच्छा और देखिए आप, अब मुझे बताइए, अब ये देख रहे हो बेटा, मैं एबीसी लेकर तुम्हें समझा रहा हूं। अब तो वन की फोर, वन की वन, टू की फोर नहीं लिया ना, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दूसरा है, और ये एग्जाम्पल नंबर वन टू भाई, जिससे पूछूं वही बताए। शिबू शिबू बताओ ये फंक्शन है या नहीं? कक्षा सक्षम है नहीं क्या शिबू? शिबू बता भाई ये फंक्शन है या नहीं है? सार्थक क्या ये फंक्शन है या नहीं है? क्लियर है? चलिए हाँ नितिन यादव, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है, ये देखो वन और टू की सिंगल इमेज है, तो क्या ये डाउट नहीं क्रिएट करता है? उसी उसी क्यों नहीं है? क्या तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स वाई के लिए कंडीशन नहीं है? फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई। तो देखिए वन के लिए भी इकलौता है ए और टू के लिए भी इकलौता है ए, भाई यूनिक है, वन की भी इमेज यूनिक है। देखिए हरे पहली बात तो फॉर ईच हरे की इमेज है, वन की इमेज भी ए है और टू की इमेज भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर ईच एक्स देयर इज यूनिक वाई। हाँ भाई गलती दिन पड़ी कितनी थी, अरे 2-3 दिन पहले बेच दिया अखबार में। हाँ बताओ भाई, खुश
खुशबू है, फंक्शन नहीं है, बेटा हमारी डेफिनेशन क्या है? फोर ईच एक्स हर एक एक्स के लिए है यूनिक वाई, यानी कि वाई में खाली एलिमेंट हो सकते हैं जिनका एक्स नहीं है, लेकिन एक्स में खाली नहीं होनी चाहिए। पहली बार फोर ईच एक्स हर एक के लिए होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब देखिए, वन की इमेज ए है और टू की भी ए है, और वन के लिए तो यूनिक है, ये हो सकती है। दो पॉइंट दो एक्स की वैल्यू एक हो सकती है, दो एक्स की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एक्स की दो इमेज नहीं हो सकती। बताने कितना ध्यान से सुनिए कि टू एक्स टू और मोर एक्स मे हैव यूनिक इमेज बट